जैसे जैसे सर्दी का पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति का पारा गर्म होता जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए बाड़मेर के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अमराराम चौधरी को पुनः एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पर चुना, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता समेत सैकड़ों की संख्या में पचपदरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अमराराम चौधरी ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया, जिसको लेकर चौधरी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हुए। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता समेत सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। सपा का जोश और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह देख करके मुझे अब उनका ऋण तो मैं चुका नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी होगी और यहाँ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अपने राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जो उत्साह है, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए लोगों में ये उत्साह है। दूसरा, राष्ट्र की एकता अखंडता अटूट रखने के लिए ये जो पार्टी है वो ही आगे आ रही है, बाकी ने जो है आज आप देख रहे हो कि दूसरों में अपने आप ही पार्टी वाले टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि आज 19 जो है राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है। सर, जैसे कि नामांकन से पहले, टिकट वितरण से पहले कुछ जो मनमुटाव है कार्यकर्ताओं, कुछ निकल के सामना था, उसको कैसे आप? ऐसा है कि हमारी पार्टी में कोई मनमुटाव है ही नहीं, हर आदमी जब टिकट नहीं मिलती है उससे पहले मनमुटाव होता है, और अगर किसी का मनमुटाव हुआ तो वो पार्टी का वफादार सिपाही है, उनको हम अपने आप ही मना लेंगे। जीत के प्रति कितने आप आश्वस्त हैं? जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? कितने मतों से, कितने, क्या रिकॉर्ड मतों से? ऐसा है, ये तो जनता जाने और ऊपर वाला जानता है, लेकिन इस बार जो है पिछली बार से भी दुगने वोटों से जीत।